नमस्कार दोस्तों मैं ओम प्रकाश साहु सर इस वीडियो पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जंगलों पे किस तरीके से वन उत्पाद पैदा होते हैं उसमें से प्रमुख है तेंदू का पत्ता और तेंदु के पत्ता को जंगल के लोग इकट्ठा करते हैं हमारे जंगल के भाई बहन और उसको गवर्नमेंट जो है सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीदी करती है और अभी हुई है शुरुआत आज ही हुई है क्या आज ही शुरुआत हुई है तेंदु पत्ता खरीदने की और हम गुजर रहे थे हां से तो ये कुछ दीदियाँ हैं जो तेंदू पत्ता इकट्ठा कर रही थी और इस तरीके से इकट्ठा करती हैं फिर इनको ले जाती हैं हां काना में बेटा तो किरण निसाद किरण निसाद आओ पर था अभी पढ़ाई छोड़ दे हो सेकंड ईयर करके सेकंड ईयर कर रहे खबर छोड़ दे ऐसे काम घर में अब काम करते नाती घर से थे घर में काम करते करते सिलाई बुलाई अच्छा तो और पढ़ना नहीं रही से नहीं पढ़ना थी से लेकिन छोड़ दिया अच्छा ठीक है तो ये जो पत्ता है बजे बजे था सुबह और तुम्हार का भालू वालू नहीं आए आते ना जंगल साइड आते हैं वहां तो जान नहीं होती लेकिन जंगल साइड आते हैं अच्छा तो ये जरा खोल के दिखाना खोल डर में क्या हम्म ये खोल के अभी दिखा रही तेंदू का पत्ता और ये साहब करते हैं भाई साहब बकरी पालन का नाम है भाई राम प्रसाद दुबे राम प्रसाद दुबे और ये खोल रही हैं ये देखो ये इस तरीके से तेंदू का पत्ता रहता है और इसी पत्ता का बीड़ी बनता है ये देखिए ये तेंदू के पत्ता को सुखाते हैं ऐसा ही करते हैं ना लेकिन इसको सब ऐसे चप्पी करके ऐसे लाइन से चप्पी करके सायद बेचते हैं है ना तो बेटा हम पैसा कैसे मिलते के मतलब कतका, के कतका न, बंडल के कतका मिलते सौ बंडल के पाँच सौ मिलते सौ बंडल के पाँच सौ मिलते तो एक बंडल में तकरीबन कत का रहते एक बंडल में पचास 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 को एक बंडल का थप्पी करते हैं फिर सौ बंडल का वो पाँच सौ रुपया आप लोगों को देता है इसी हिसाब से तो एक दिन में कत का बंडल के एक दिन रहा था एक दिन में सात आठ सौ होकर से ऊपर भी हो जाते हैं सात आठ सौ बंडल के पुरतीन बिन रहा था हाँ। अच्छा सात आठ सौ बंडल के पुरतीन एक जना बिन देते हाँ। नहीं, नहीं। सब जन मिल के हाँ। थे ये दे देखो सब मिल के ए है ए है ए है हाँ अतका जन मिल बीन देते हाँ। तो फिर शाम तक आप और सुबह मेरे से पांच बजे से होंगे हाँ। ऐसा ही है ना अभी मऊहा तो खत्म हो गया होगा ये बीन देते है कहा नाम है भारतीय अच्छा ठीक है तो एक रेट है पिछले साल कम रही से और अभी कम है का है बराबर है रेट पिछले साल अभी कत का है अभी पाँच सौ पाँच सौ पिछले साल पाँच सौ कम से अच्छा ठीक है यानी कि एक रेट है अभी उठे है इसे है आ, ना हाँ ठीक है तो, अब तो जंगल खत्म हो तो ही हुँ। है हुँ। ते ते मतलब बिहार हो का रही का जंगल रही से रहा जंगल से नहीं जाना है नहीं जाना अच्छा अब अभी उसने तो हवे जंगल है और इसने छे अच्छा कम नहीं हो है कम हो गए हैं तो हर साल कटाई चला था हर साल हर साल कटाई चलते हैं हर साल अच्छा तो कम हो गए हो मैं हाँ अभी कम हो गए अच्छा हाँ वन विभाग वाला मन हर साल कटाई करते ना अच्छा सागुन है हाँ और जलाऊ है मतलब अन्य लकड़ी हो मतलब सब लकाट के अपन ले डिपो तो ये मतलब खेत वेत बनाएर भी काट देते नहीं अच्छा नहीं, गांव वाले जंगल बिल्कुल नहीं काटते हैं क्योंकि जंगल भाई हर मौसम में कुछ ना कुछ देख रहे अभी तेंदू पत्ता दे रहा है पत्ता है मऊहा है तेंदू है चार है बहुत सारा है जंगल में फिर चार की गुठली है चार की गुठली भोयलिम आंवला ये सब चीज मिलते आंवला ये सब वो आंवलांबेड़ा घाल मिलते का आंवला जैसा रहते थे जंगल में मिलते काला थी अच्छा आंवला मिलते ठीक है नाम है दुबे वीरेंद्र दुबे अच्छा तो अभी स्कूल जाता छोड़ दे सब बारी करके छोड़ दे कब अच्छा ठीक है तो अभी तुम्हार का तुम्हारा डर काकर जोर रही है

राहुल गांधी भी अच्छा लगते और मोदी भी अच्छा लगते दोनों अच्छा काम करते करे वो तो तो दोनों एक अच्छा एक अच्छा राहुल गांधी लगते लगे वो राहुल गांधी अच्छा तो टीवी में कौन ज्यादा दिखते राहुल गांधी की मोदी हम तो मोबाइल चलाते राहुल गांधी है ना ठीक है राहुल गांधी पसंद आते कहा पसंद आते वो जैसे आम जनता से मुलाकात करते हाँ, बीच हमारे छत्तीसगढ़ में भी आ रही से तो हाँ, ट्रेन मुलाकात करे रही मन मुलाकात कर आम जनता से, से हाँ, वो अच्छा हाँ, वो हाँ, मिलते वो भी अच्छा लगते आम जनता से जो मुलाकात करते डायरेक्ट जाते हो हाँ, खेत में जाते जैसे अभी कुछ दिन पहले बिलासपुर में जन हाँ, के खेत में गिर रही से वो अच्छा लगते मोदी से ज्यादा ठीक लगते वो तो भी नहीं, भी नहीं मैं हिसाब से पूछा तो मैं कोई दबाव हाँ। नहीं डाला था हाँ। तोला, तोला जी लगते थे बता मोदी ज्यादा ठीक लगते हो कि मोदी ज्यादा ठीक लगते नॉलेज में अभी, हाँ। अभी तो अभी देखे हाँ। तो बा, भाषण दे थे बहुत सारे सोशल मीडिया पे कर रहे थे यहाँ तक मैं देखे कमेंट बॉक्स के भी जवाब देते मेल के भी जवाब देते देते ना तेन हिसाब से नॉलेज के हिसाब से देश भर ज्यादा बेहतर कौन करिए लगते गाँव

ठीक है आपकी उम्र का है सैंतीस साल ये सैंतीस साल तो उम्र का है भाई उम्र है इक्कीस साल ये इक्कीस साल वाले हैं ठीक है तो सोशल मीडिया वाले है, है ना ठीक है ये ये के जमाल लड़का के व्यू है, है ना नहीं है? नहीं। हाँ। यार हाँ ये जमाल लड़का के व्यू है और गांव का आदमी इसे बहुत कम बोलते फिर भी भाई साहब बोलिस तो धन्यवाद मैं ओम प्रकाश साहु सर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर लो धन्यवाद